but there's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are, and you don't have to change a thing. The world could change its heart. No scars, see, you're beautiful with stars. Welcome to my channel. और आज का जो व्लॉग है वो है जौलपुर के भेड़ाघाट, मतलब भेड़ाघाट जो मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा वाटरफॉल है, आज हम वहाँ घूमने जा रहे हैं। सो मैं आपको भी दिखाऊंगा कि भेड़ाघाट कैसा है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे। सो मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखना। सो दोस्तों, रास्ता काफ़ी लंबा है, सफ़र सुहाना है, तो वीडियो के मज़े लेना और व्यूज़ के ही मज़े लेना। जो पहले जौलपुर में नहीं आए हैं, भेड़ाघाट नहीं देखे हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। भेड़ाघाट पहुंचने से पहले हमें एक पंचमठा मंदिर दिखता है, तो आप देख सकते हो ये मंदिर कितना प्राचीन है और देखने में तो काफ़ी जर्जर दिख रहा है, लेकिन अभी तक बना हुआ है। पहले के टाइम के लोग ऐसी क्या रचना करते थे जैसे अभी तक कई हजारों साल पुरानी चीज़ें अभी तक बनी हुई हैं हमारे यहाँ पे। तो पीछे पंचमठा मंदिर, ये है पंचमठा मंदिर जो भेड़ाघाट के ठीक थोड़ा सा पहले पड़ता है, रास्ते में आपको किनारे ही दिख जाएगा। तो दोस्तों, फाइनली हम भेड़ाघाट पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हो भेड़ाघाट के नज़ारे। यहाँ पे कितनी अच्छी शॉप्स हैं, दुकानें हैं, यहाँ पे मार्बल्स की चीज़ें यहाँ सबसे ज़्यादा मिलती हैं, ऐसा आप वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ पे संगमरमर और मार्बल चीज़ें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। सो हम सबसे पहले चलेंगे न्यू भेड़ाघाट की तरफ, जो उस पार पड़ता है भेड़ाघाट के, तो हम वहाँ रोपवे से जाएँगे। तो मैंने टिकट ले लिया है और रोपवे से हम पूरा भेड़ाघाट के उस पार का सफ़र करेंगे, फिर इस साइड का हम सफ़र करेंगे। तो अब मैं निकल गया हूँ रोपवे। दोस्तों, हम लोग बैठ गए हैं रोपवे पे और भेड़ाघाट के ऊपर से जा रहे हैं, तो पीछे आप भेड़ाघाट का नजारा देख सकते हो। अच्छे से दिख नहीं रहा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये जो रोपवे है काफी हिल रहा था हवा के कारण, तो तभी मैंने आपके लिए काफी अच्छे अच्छे शॉर्ट्स लिए हैं, तो आप शॉर्ट्स के मजे लीजिए, देखिए वीडियो को। और जो लोग मेरे चैनल में न्यू है, जो वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करते मेरे चैनल। तो वीडियो के मजे लीजिए और मैं भी मजे लेता हूँ। इतने ऊपर होने के बाद भी वाटरफॉल के पानी का आवाज़ आपको क्लियर सुनाई दे रहा होगा, पानी गिर रहा है और आवाज़ कितनी प्यारी आ रही है। ₹10 की दे दो भाई, ले लो एक, तो लाओ मेरी, दो पैसे भैया देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ तूफानी करते हुए दिख रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करना क्या चाह रहा था। स्पाइडरमैन बन रहा था या सुपरमैन बनके मैं कूद रहा था। तो देख सकते हो फॉल के पास पहुँच गया हूँ, काफ़ी गहरी यहाँ पे खाई है, लेकिन ठीक है, स्पाइडरमैन बन रहा था तो चलता है इतना। तो भाई साहब, लोग देख सकते हो यहाँ पे एक मछली का जाल लगा हुआ है, तो यहाँ के जो लोकल्स लोग हैं यहाँ पे फॉल के पास जाल लगा के मछलियाँ भी पकड़ते हैं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इतने मतलब ख़तरनाक जगह पे ये लोग कैसे मछलियों को पकड़ते हैं। सो
धूप इतनी थी तो हमारा मन किया कि अब जूस पीते हैं, कुछ ठंडा हो जाए। तो हमने गन्ने का जूस पिया और गन्ने का जूस पी के अब थोड़ी राहत मिली मुझे गन्ने का जूस पीने में। इतनी गर्मी है क्या बताएं। सो अब हम थोड़ा आगे की तरफ चल दिए जहाँ लिखा है प्रतिबंधित क्षेत्र आगे जाने मना है, लेकिन तब भी हम आगे की तरफ गए। मन में जिज्ञासा थी कि आगे क्या चीज़ है, तो हम देखने के लिए निकल पड़े। तो अब हम आगे चलते हैं तो मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि इस पॉइंट पे कुछ 90-20 लोग ज़्यादा आते हैं, इसलिए यहाँ पे जाना प्रतिबंधित लिख दिया गया है। तो आगे मैंने एक दो लोगों को देखा जो पत्थरों के पास बैठे हुए थे, प्रेमी जोड़े लोग। कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। फिर भी हमने न्यू भेड़ाघाट के काफ़ी मज़े लिए और फॉल के पास हमने देखा। सो अभी धुआंधार फॉल भी हम चलेंगे, वो उस पार पड़ता है तो हम आपको दिखाएंगे। तो अभी पहले हम आपको न्यू भेड़ाघाट के कुछ सीन्स दिखा रहे हैं और आप मेरे भी कुछ शॉट्स देख सकते हो जो मैंने काफ़ी इन्जॉय किए अपने फ्रेंड के साथ। वाटरफॉल में बहुत मज़ा आया। धूप थी लेकिन पानी की ठंडक के कारण हमें यहाँ पर उतनी धूप समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन गला बहुत सूख रहा था। तो देख सकते हैं आप लोग वाटरफॉल के पास मैं बैठा हुआ हूँ पत्थर के ऊपर। न्यू भेड़ाघाट घूमने के बाद अब हम वापस रोपवे से हम वापस हो गए उस तरफ जाने के लिए। अब हम न्यू भेड़ाघाट का सफ़र ख़त्म करते हैं और धुआंधार फॉल जो है आप जो वीडियो में देख रहे हैं, अब हम इस तरफ चलेंगे जहाँ भी इतनी भीड़ दिख रही है। तो अब हम धुआंधार फॉल की तरफ चलेंगे। भेड़ाघाट में धुआंधार और न्यू भेड़ाघाट में कोई अंतर नहीं है, दोनों साइड फॉल है, लेकिन उस साइड और इस साइड का फ़र्क पड़ जाता है। और उस साइड जाने में अगर हम बाय रोड जाएंगे तो काफ़ी लंबा पड़ता है, तो हम भेड़ाघाट की तरफ से रोपवे से अगर जाएंगे तो हमें एकदम शॉर्टकट पड़ता है। तो अब हम चल दिए हैं न्यू भेड़ाघाट की तरफ, हमारा सफ़र शुरू होता है। लेकिन अभी भी हम रोपवे पर लटके हुए हैं, जब तक हम रोपवे से नीचे उतरेंगे नहीं तो हम धुआंधार फॉल की तरफ कैसे पहुँचेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरफ भी काफ़ी पेड़ पौधे हैं, जहाँ पर भी कुछ प्रेमी जोड़ी कोंटे में बैठे रहते हैं। तो ये तो भेड़ाघाट का पुराना असूल है। सो गाइस चलते हैं धुआंधार की तरफ। सो फाइनली हम रोपवे से उतर गए और उतरने के बाद हम चल दिए भेड़ाघाट के सफ़र की तरफ, मतलब धुआंधार की तरफ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जब हम जाते हुए काफ़ी हमें शॉप्स दिखेंगी। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, गाँव देहात से भी लोग आते हैं घूमने, और यहाँ प्रेमी जोड़े आपको काफ़ी दिखेंगे। और यहाँ पर दुकानों की खूबसूरती आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। अगर धूप का समय आया हो तो आप टोपियाँ ले सकते हो, गर्मी के समय से ज़रूरत पड़ेगी आपको टोपियों की। यहाँ पे संगमरमर की दुकानें हैं, संगमरमर की चीज़ें आपको, अगर भगवान जी की मूर्तियाँ हैं या पत्थरों में आपको अपने नाम लिखाने हैं या अपने प्रेमी का नाम लिखाना है, पति का नाम लिखाना है, यहाँ पे आप लिखवा सकते हैं। और जो लोग अकेले घूमने आए हैं लड़कों के साथ, वो अपनी वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड के लिए कुछ बैग्स वगैरह या फिर यहाँ पर काफ़ी अच्छी ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी दिख रहे हैं, तो आप यहाँ से ले जा सकते हैं। सो हम चलते गए, काफ़ी लंबा सफ़र है तो यहाँ पे दुकानें तो इतनी सारी हैं कि क्या बताएं। प्रेमी जोड़ी भी दिखेंगे आपको हाथ पकड़ के आते हुए। सो यहाँ तो मतलब जौरपुर के शहर के 90-90 को तो कोई डर ही नहीं है। तो देख सकते हो यहाँ पे एक भैया हैं जो बदख टाइप का कुछ रखे हैं। धूप के लिए चश्मे चाहिए हो तो आप यहाँ से ज़रूर ले। ये देखो हाथ पकड़ के तो चलने का सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो देख सकते हो काफ़ी दूर पैदल चल के हमें धुआंधार फॉल की तरफ जाना पड़ता है। सो मैं चलते चलते तो इतना थक गया कि क्या बताऊं, क्योंकि चलने की आदत इतनी थी नहीं। सो धुआंधार पहुंचने तक आपको वहां पे इतनी सारी दुकानें दिखेंगी। कुछ लोग रोड साइड में दुकानें लगा लेते हैं क्योंकि उनके पास शॉप्स नहीं होती हैं। फिर भी अब हम पहुँच गए हैं धुआंधार की तरफ। तो आप देख सकते हो ये है फाइनली हमारा धुआंधार वाटरफॉल। और आप देख सकते हो आपको यहाँ पे हवा में पानी की कुछ जो बूंदें होती हैं वो उड़ती हुई दिखाई देंगी, इसलिए इसको धुआंधार वाटरफॉल कहा जाता है। क्योंकि पानी जब नीचे आके उड़ता है वो धुएं के जैसे बन जाता है, तो हमारा धुआंधार फॉल कुछ इस तरह का है। जो लोग कभी भेड़ाघाट नहीं आए हैं, कभी नहीं देखे हैं, तो आप वीडियो में देख सकते हो। यह MP का सबसे अच्छा वाटरफॉल कहा जाता है। आप इसको गूगल में भी या यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको भेड़ाघाट वाटरफॉल ईजिली दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ अपने वीडियोस लिए। अब आपको तो पता ही है सोशल मीडिया का ज़माना है तो वीडियो लेना तो बनता है, क्योंकि इंस्टाग्राम फेसबुक में तो डालना पड़ेगा ना बाबा। तो भेड़ाघाट के नज़ारे कुछ इस तरह हैं। सो गाइस आप लोग भेड़ाघाट के नज़ारों के मज़े लीजिए, क्योंकि मैं बोल बोल के थक गया हूँ। सो जहाँ मुझे लगेगा आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक प्रेमी जोड़े दिख गए हमें।
भेड़ाघाट में प्रेमी जोड़ों की कमी नहीं है, क्योंकि शहर से दूर इनको एक शांति का ठिकाना चाहिए होता है। और हम अब भेड़ाघाट घूमने के बाद वापस चल, क्योंकि भेड़ाघाट में ज़्यादा देर रुकने का कोई मतलब नहीं है। फॉल वाटरफॉल देखने के बाद हम वापसी कर दिए हैं। सो जितना हम पैदल चल के आए थे, अब हमें उतना ही पैदल चल के वापस जाना पड़ेगा। और मेरे पैरों की हालत इतनी ख़राब होने वाली है कि क्या बताऊं दोस्तों। भेड़ाघाट के ब्लॉग को यहीं करते हैं ख़त्म। और काफ़ी धूप थी तो बहुत थक गया मैं, पैदल चलने की इच्छा नहीं हो रही थी क्योंकि इतनी आदत नहीं थी। सो भेड़ाघाट के मैंने कुछ पॉइंट्स के ब्लॉग्स बना लिए हैं। और भेड़ाघाट में जैसे चौसठ योगिनी और नौका विहार है, वो मैं अगले वाले ब्लॉग में आप लोगों के लिए बनाऊंगा। सो वीडियो को एंजॉय करना, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।